I Smita Choksi from Unity Public School, Standard 7. Today we will learn about English grammar and chapter 8, Yes, No Question. That means कि आज हम लोग जो English grammar का chapter पढ़ेंगे, उसमें जो पूछा जाएगा Yes और No के questions. आज हमें क्या पूछना है? क्या समझना है? Yes और No के questions. अगर आपको questions दिया है, तो उसको आपको No में कैसे answer देना है? और अगर Some questions can be answered with a simple yes or no. कुछ questions ऐसे होते हैं जिसको हम लोग only simple answer देते हैं yes or no. Okay? They can begin with one of the following verbs. जो questions होते हैं वो ये जो सारे verbs होते हैं उससे ही start होते हैं. जैसे कि is, am, are, was, were, has, have. Had, will, shall, should, can, could, would. Is, am, are. I से question होता है तो उसमें पहले is, am और are समा हो जाता है. Past tense में अगर question होता है तो was, were होता है. वैसे ही ये सारे अलग अलग type के आपको verb दिए गए हैं. उसी के related आपको questions पूछा जाता है. आज हम थोड़े questions पहले मैं आपको बता देती हूँ और questions में answer कैसे देते हैं. अगर short में answer देना है. Is Namya going to school? क्या पूछा गया है यहाँ पे? क्या Namya school गई है? देखो यहाँ पे Namya के आगे is लगा है. Question पूछते समय verb change हो जाता है. तो हमें इसको answer अगर yes में देना है तो क्या करेंगे? Yes, she is. Namya क्या है? Namya girl है. तो girl के लिए हमने यहाँ पे क्या use किया? She. और जो is था वो कहाँ पे आ गया? पीछे आ गया. आंसर में हमने शॉर्ट में लिया यस शी इज. अंडरस्टैंड? नाउ सी सेकंड क्वेश्चन. आर द गर्ल्स डांसिंग? क्या सारी गर्ल्स डांस कर रही है? सी हियर गर्ल्स. आर गर्ल के पीछे एस लगाया है तो गर्ल्स मतलब बहुत सारी है. तो बहुत सारी गर्ल्स होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं? आर मतलब बहुत सारे पर्सन होते हैं. ज्यादा पर्सन होते हैं तो उसके में हम लोग आर यूज करते हैं. Yes, they are. अब हमें उसका आंसर देना है यस में. तो हमने क्या कहा? Yes, they are. Girl, they किसके लिए यूज किया है हमने यहाँ पे? Girls के लिए. They किसके लिए यूज किया है? Girls के लिए. Yes, वो लोग डांस कर रहे हैं. और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आर पहले आता है तो आंसर में आर कहाँ चला जाता है? लास्ट में चला जाता है. Were you happy with them? क्या वो लोग हैप्पी थे? क्या कहा है? क्या वो लोग हैप्पी थे? बॉय यहाँ पे क्या है? बॉय यहाँ पे मैंने समझा ना आपको बॉस और बॉय पार्ट मतलब जो हो गया है उसके लिए कहा जाता है. यस आई बॉस. हाँ यहाँ पे वर यू क्या आप हैप्पी थे? तो क्या यस आई बॉस. हाँ मैं हैप्पी हूँ. हैप्पी था. अंडरस्टैंड? एंड सी स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड देयर आंसर. यहाँ पे भी क्वेश्चन से यहाँ पे मैंने आपको किस में आंसर देना सिखाया? यस में. हमारा मेन टॉपिक क्या है? यस और नो. तो यहाँ पे मैंने आपको यस में आंसर देना समझाया. अभी मैं यहाँ पे आपको क्या समझाऊंगी? नो में अगर आपको आंसर देना है तो कैसे देना है? आर यू मेकिंग अ डॉल? क्या आप डॉल बनाओगे? नो आई एम नॉट. नहीं मैं डॉल नहीं बनाऊंगी. Is Rina drawing a picture? क्या रीना पिक्चर ड्रॉ कर रही है? देखो वापस इज कहाँ आ गया? पहले आ गया. और रीना क्या है? गर्ल है. और हमें इसका आंसर क्या कहना है? नो में कहना है. तो नो सी इज नॉट. नहीं रीना ड्रॉइंग नहीं बनाएगी. पर हमें पूरा नहीं लिखना है. शॉर्ट में सम शॉर्ट में आंसर देना है. तो नो सी इज नॉट. गॉट द चिल्ड्रन प्लकिंग फ्लावर्स? क्या चिल्ड्रन बच्चे फ्लावर्स तोड़ रहे हैं? तो अभी यहाँ पे क्या है? चाइल्ड नहीं. क्या है? चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन है मतलब बहुत सारे बच्चे हैं. तो बहुत सारे बच्चों के लिए हमें क्या यूज करना है यहाँ पे? दे. और आंसर किस में देना है हमें? नो में. तो नो दे वर नॉट. नहीं वो लोग फ्लावर नहीं तोड़ रहे. पर हमें तो शॉर्ट में आंसर देना है इसीलिए नो
they were not. Will you swim in the river? क्या आप रिवर में स्विम करोगे, मतलब कि तैरोगे, आप लोग तैरना चाहोगे ऐसा? तो हमें वापस यहाँ पे आंसर शॉर्ट में लेना है और यू मतलब आपको पूछा गया है, तो आपको पूछा गया है तो आप आंसर दोगे, तो यू का क्या हो जाता है? आई हो जाता है. तो नो आई विल नॉट, तो आप क्या जवाब दोगे? नहीं मैं स्विम नहीं करूंगा या करूंगी, वॉट एवर. कैन दे डिग अ वेल, क्या वो लोग वेल मतलब कुआ बोलते हैं ना वो, और डिग मतलब खोदना खुदाई करना, क्या वो लोग कुआ खोद रहे हैं? तो हमें आंसर वापस क्या करना है? नो में लेना है. तो नो दे कैन नॉट, नहीं वो लोग नहीं कर रहे. अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको वर्क इज नॉट, कैन नॉट, वर नॉट, विल नॉट, कैन नॉट, ये सारे फुल फॉर्म है. क्या है? फुल फॉर्म है. अब मैं वही चीज आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगी. जैसे हैव नॉट लिखा है, उसका क्या हो जाता है? हैवन्ट. हैड नॉट तो हैडन्ट, विल नॉट तो वांट, कैन नॉट तो कांट, शुड नॉट तो शुडन्ट. आंसर इस क्वेश्चन विद नो यूज शॉर्ट फॉर्म्स. देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं ना उसके आंसर आपको शॉर्ट फॉर्म में लेना है. जैसे ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, वैसे ही आपको उसके आंसर भी शॉर्ट फॉर्म में लेना है. शैल आई गेट दिस बुक, इसमें क्या कहते हैं? क्या मैं ये बुक ले सकती हूँ? शैल आई गेट दिस बुक, क्या मैं ये बुक ले सकती हूँ? तो आंसर हमें नो में भी देना है और शॉर्ट फॉर्म में देना है. तो क्या होगा? नो यू वांट, नहीं आप वो बुक नहीं ले सकते. कैन यू मेक अ डॉल, क्या आप डॉल बनाओगे? कैन यू मेक अ डॉल, क्या आप डॉल बनाओगे? तो वापस वही चीज, हमें आंसर नो में भी देना है और शॉर्ट फॉर्म में देना है. तो नो यू कांट, नहीं आप नहीं बना, नहीं मैं नहीं बनाऊंगी. ठीक है, तो ऑल आर अंडरस्टैंड? यस और नो, हमें यस